हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, रीट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, जो कि एक पात्रता परीक्षा थी और जिसमें आपको 150 में से 90 नंबर लाने जरूरी हैं। तो अब बच्चों का एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि हमारे सामने आगामी 3 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो हम इनमें से किसकी तैयारी करें? तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले जिनका एग्ज़ाम जो है रीट का बहुत अच्छा हुआ है, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो लोग थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम तो देंगे ही। हालांकि सभी बच्चों ने तीनों जो फॉर्म है भरे थे, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि टीचिंग लाइन से आप जुड़े हैं और जितने भी फॉर्म होते हैं टीचिंग लाइन के, वो सभी आपको भरने चाहिए, तैयारी भले ही आप एक एग्ज़ाम की करें। तो जिन बच्चों का रीट का बहुत अच्छे से हुआ है, जिनको लग रहा है कि 95 से अब जो है वो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, कुछ ही दिनों में आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है 1 वीक के बाद या उससे पहले भी आ सकती है, तो वहाँ पर आप मिलान करिएगा ऑफिशियल आंसर की से ही कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो जिनको लगता है 95 से अब हैं, तो वो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम तो देंगे ही। अब जिनका एग्ज़ाम जो है सही नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है कि हमारे जो है 90 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोनों की साथ में लेकर ना चलें, आप एक की करें, या आप फर्स्ट ग्रेड की करें या आप सेकंड ग्रेड की करें, जिनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है रीट का। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है सेकंड पेपर का, दोनों का ही अलग-अलग है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और रीड अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अब उसके बारे में सोचना जो है बंद कर दीजिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आप जुट जाएं। और यहाँ पर कौन सी बुक का सहारा लेंगे, बच्चे पूछ रहे थे। तो देखिए, मैं आपको कभी भी नहीं कहती हूँ कि कोई एक गाइड आप लेकर आ जाएं और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दें। गाइड आप लेकर ही ना आएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो गाइडों से नहीं बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्कूल में जो बुक चल रही हैं वो तो आपने रीट में भी पढ़ी हैं, उसके साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है? तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ऑथेंटिक बुक से ही पढ़िए। तो ये बात हो गई, जिनका रीट अच्छा नहीं हुआ है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाएं। और जो बच्चे सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड की आप करते रहे, क्योंकि यहाँ पर आपने जो रीट में पढ़ा है वो आपके पेपर 1 में जो है, जो कि किसका है, जीके का है। पेपर 1 आपका क्या है, सेकंड ग्रेड में जीके का है, तो वहां पर आपकी पहले की तैयारी जो है, पहले का अनुभव जो है, वो यहाँ पर आपका काम में आएगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि हमारी तैयारी जो है वो फर्स्ट ग्रेड की तो अच्छी हो ही चुकी है, तो हम सेकंड ग्रेड की भी कर लें, तो कोई बात नहीं, आप दोनों एग्जाम साथ में लेकर चलें। लेकिन मेरा मानना ये कहता है हमेशा कि अगर आप एक एग्जाम को फॉलो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उसको बेसिक क्लियर कर लेते हैं। यदि दो एग्जाम जिनका सिलेबस समान हो, तो आप दोनों एग्जाम जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो अलग रहता है, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है मेरी, कि जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साथ में नहीं चल सकते हैं। समय जो है वो इतना भी अधिक नहीं रहा है, क्योंकि 4 साढ़े 4 या 5 महीनों में जो है दोनों पेपर का अलग अलग का पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? तो ये बात रही। दूसरे, जिनका रीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और जो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हमारे 95 से अबव मार्क्स तो आएंगे, तो बिल्कुल उनका क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, मेहनत की है, तो उनका क्लियर तो होना ही था। उन्हीं बच्चों को पेपर जो है वो आसान लगा है, और जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर जो है वो बहुत मुश्किल लगा है, तो उसकी एक ही वजह रही है, ऑथेंटिक बुक का सहारा ना लेना, और दूसरा अच्छे तरीके से तैयारी ना करना। क्योंकि कई जो हैं यही सोचकर बैठे थे 90 नंबर ही तो लेकर आने हैं, तो जो 90 ही सोचकर चला था, तो 90 उसके कैसे आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जिन बच्चों ने बिल्कुल 130+ मार्क्स लाने की तैयारी की थी, अब उनका जो है आगे के एग्जाम में वही चीज काम आएगी। तो जिनका रीट का एग्जाम अच्छा हो गया है, बिल्कुल सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की साथ में लेकर चलेंगे। सेकंड ग्रेड का आपका एग्जाम पहले हो जाएगा और थर्ड ग्रेड का, जो कि जनवरी माह में आपका होगा,
तो अभी आपके सामने क्या है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो इसकी आपको तैयारी करनी है। थर्ड ग्रेड का तो अभी आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से सिलेबस ही नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जो है ये अभी लगाया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस आया था, पॉइंट जो है वो बता दिए गए थे कि हाँ ये चीज़ जो है पूछी जानी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, राजस्थान जीके का। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और आपको बिल्कुल लगेगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ हमारी थर्ड ग्रेड की तैयारी तो हो भी गई। यहाँ पर आपका जो एक सब्जेक्ट है जो कि शैक्षणिक रीति विज्ञान संबंधित है, एक थर्ड ग्रेड में, वो थोड़ा सा आपका अलग है, बाकी आपका सेकंड ग्रेड से बिल्कुल मिलता जुलता ही है। उसके बाद देखिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें, जितने भी एग्जाम अब आरबीएससी लेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा, यानी कि यदि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान जीके आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस में है, तो वहां आपके 50% तो राजस्थान जीके ही रहेगा, और 50% आपके जो है इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी रहेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको राजस्थान जीके पर तो देना ही है। यहाँ पर एसएसटी वाले बच्चे जो कि बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस के हैं तो उनको ध्यान देने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, तो वहाँ आपके राजस्थान का जीके भरपूर मात्रा में पूछा जाने वाला है। और ये तो आपको पता ही है कि थर्ड ग्रेड में आपके जो हैं, जो लेवल वन के बच्चे हैं, 90 मार्क्स जो हैं वो आपके केवल और केवल राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यही आपका आएगा। उसके अलावा जो 90 मार्क्स हैं वो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, या जो आपने अभी पढ़ा है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो आपका, ठीक है, यानी कि 60% मार्क्स जो आपका राजस्थान के जीके से ही संबंधित है, यहाँ थर्ड ग्रेड के एग्जाम में, लेवल वन में। ठीक है, और लेवल टू की बात यदि करें तो यहाँ पर कम से कम आपके जो हैं 45% जो हैं वेटेज रहेगा किसका, राजस्थान जीके का। तो आप इस चीज़ से जो है वो बच नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो लेवल टू है तो उनके जो हैं 70 मार्क्स का तो राजस्थान का जीके ही रहेगा, उसके बाद आपके 60 मार्क्स का जो है वो करंट अफेयर के साथ में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम जो है वो रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, यानी एसएसटी, यदि आप स्टूडेंट एसएसटी के हैं तो एसएसटी का रहेगा, एसएसटी वो साइंस वाले हैं तो साइंस का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये सोचिए कि जो आपने रीट में अभी तक पढ़ा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल काम आएगा, चाहे सेकेंड ग्रेड की बात करें, चाहे थर्ड ग्रेड की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान का जीके जो है 6 से 10 तक आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। ये वही बुक है राजस्थान जीके की, हमारा राजस्थान की, जो हमने जो है यूट्यूब पर पढ़ाई और आप लोगों ने पढ़ी, क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोगों ने किए, जिसका आपको फायदा रीट में कितना हुआ है आप जानते हैं, इसीलिए मैंने इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, बाकी एग्जाम में देखिए 4-5 क्वेश्चन जो है एग्जामिनर डालता ही ऐसा है कि हर किसी को नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए आरबीएससी जो कि बेस रहा है आपका, ये सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से लर्न भी कर चुके हैं, कई बार आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, अब देखिए 2 सालों से एनसीईआरटी बुक जो चल रही है, जिसमें इसी के साथ में ये राजस्थान की जीके जो कि मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है वो एनसीईआरटी के साथ में ही चल रही थी। ठीक है, तो अब जो है राजस्थान जीके आप कर चुके हैं, एनसीईआरटी जो है वो अब हम करेंगे, तो इन दोनों बुक जो है इनको इम्पोर्टेंस देनी है, दोनों को ही देनी है। और जहां सेकंड ग्रेड के यदि जीके के पेपर वन की बात करें तो जो मैंने आपको कोर्स करवाया है वहां पर आपके लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी 6 से 12 तक की और ग्रेजुएशन की जो ऑथेंटिक बुक है उनका सहारा लेकर जो है सेकंड ग्रेड का जीके का फर्स्ट पेपर करवाया है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो उनका जो है हम आंसर दे सकें, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लें। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो है चीज़ ना छूटे, इस तरीके से जो है हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है वो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है, और इसका फ़ायदा जो है वो आपको कितना होगा वो आप एग्ज़ाम में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आप करेंगे, थर्ड ग्रेड की आपकी जो है वो हो जाएगी, और जितनी भी अफवाहें हैं इनसे आपको बचने की कोशिश करनी है,
कि अब जो है वो पेपर लीक हो गया था, जो फोर्थ शिफ्ट का था वो लीक हो गया था, या फिर कुछ जो पेपर था, एक पेपर जो हार्ड रहा है बाकी तीन आसान रहे हैं, इनमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो सामने आएगा। यदि आपका कठिन था तो आपको 4-5 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप इनके बारे में ना सोचें। फिर देखिए, थर्ड ग्रेड की यदि हम बात करें, तो थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए वर्तमान में जो पुस्तकें चल रही हैं स्कूल में, तो आप बिल्कुल, आपके पास हैं, आप पढ़ चुके हैं रीट में, बहुत अच्छी बात है, उनको रिवाइज करिए। जो भी इस चैनल के द्वारा आप लोगों ने रीट में जो कोर्स लिया है, तो वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ही, वही राजस्थान का जीके रहेगा, बदल नहीं जाएगा, ठीक है, वही इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी रहेगी, बदल नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब तक सिलेबस नहीं आता है आप लोग वही चीज़ जो है रिवाइज करिए। अब सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरीके से आप जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते थर्ड ग्रेड की तैयारी भी आप कर लेंगे। तो ये देखिए, आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड का जीके पेपर 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस जो है आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपकी राजस्थान का ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यही आपके थर्ड ग्रेड में है, बिल्कुल यही समान है, यही आपको थर्ड ग्रेड में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रेड में केवल 4 ही सभ्यताएं दी गई हैं, और अभी सिलेबस थर्ड ग्रेड का जब आएगा तो उसमें पता लगेगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, बाकी आपको ये चारों तो पढ़नी ही पड़ेंगी, सभ्यताएं तो मस्ट हैं। उसके बाद राजस्थान के शासकों के बारे में आपको पढ़ना है, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, अजमेर के, दिल्ली के सुल्तान के साथ क्या संबंध रहा, मेवाड़ का, रणथंबोर का, जालौर का, ठीक है, राजस्थान के जो शासक हैं उनका मुगलों के साथ क्या संबंध रहा, 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन डिटेल में आप जो है वो आप यहाँ पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड में, जीके के फर्स्ट पेपर में, और थर्ड ग्रेड में भी यही सब कुछ है, वहाँ पर भी यही आपके जो है राजस्थान का पूरा कल्चर है, लोक देवता देवियाँ, राजस्थान के संत, ठीक है, मंदिर, महल, मेले, त्योहार, ड्रेसेस, है ना, आभूषण, ये सब कुछ वही है, ये पॉलिटी है राजस्थान की। उसके बाद करंट अफेयर राजस्थान का थर्ड ग्रेड में भी यही है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये आपकी सेकंड ग्रेड में है, जिसमें इंडियन जो ज्योग्राफी है वो अलग से मेंशन है, इकोनॉमी है, ठीक है, और इसके अलावा देखिए संविधान के बारे में जो है वो आप बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड में भी आपको यही पढ़ना होगा। थर्ड ग्रेड में आपका जो सब्जेक्ट है SST वालों का लेवल 2 का, तो वो ये सब पढ़ेंगे, सब पढ़ना होगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी के आप टीचर बनोगे। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो भी आपके थर्ड ग्रेड में है, और यहाँ पर मैंने आपको ये सब कुछ करवा दिया है, बहुत डिटेल में कराया है, खुद के हैंड रिटन नोट्स से मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो है, नोट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जिन बच्चों ने केवल सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया हुआ है, उन्होंने रीट पात्रता परीक्षा जो है बहुत आसानी से क्लियर की है, ठीक है, और मार्क्स उनके बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर 8 यूनिट है साइकोलॉजी की, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपकी बाकी है, और वो भी जल्द हो जाएगी आपकी। अब देखिए, ये आपका सेकेंड ग्रेड का है सिलेबस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 200 मार्क्स का है ये। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो यही आपकी किसमें है, बिल्कुल सेम टू सेम यही आपकी जो है उसमें है, थर्ड ग्रेड में, ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, जो कि आपके 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ आपके 80 मार्क्स का पूछा जा रहा है, थर्ड ग्रेड में आपके 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। करंट अफेयर राजस्थान आपके यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, ठीक है, वहां पर भी आपके पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो है वो आपकी वर्ल्ड की और इंडिया की पूछी गई है, तो थर्ड ग्रेड में आपकी वर्ल्ड की नहीं भी होगी, सिलेबस जब पूरा आएगा जब उसमें पता चलेगा, बाकी इंडियन ज्योग्राफी तो उसमें होगी, हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़नी होगी, और पॉलिटी भी पढ़नी होगी इंडिया की। एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर है, थर्ड ग्रेड में भी है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, उन्हीं नोट्स के द्वारा, उन्हीं बुक्स के द्वारा, बार बार चीज़ें बदली नहीं जाती हैं। आप लोगों की गलती यही रहती है कि आप जो हैं वो बुक्स हैं उनको बदल लेते हैं, जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है, और इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उसी में ऐड करते हुए चलिए,
ये आपकी चीज़ होनी चाहिए। चाहे आप कोर्स खरीदें या ना खरीदें या खुद नोट्स बना रहे हों, तो अपने नोट्स में ही जो जैसे ही कोई नई चीज़ मिलती है आप ऐड करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमारे नोट्स जो अब ये बेकार हो गए, अब हम नए तरीके से बनाएंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। आपको 4, 4.5 या 5 मंथ का जो टाइम मिलेगा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए, ये लगभग जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें आप जो है नए तरीके से दोबारा से जो है वो नोट्स बुक्स को इकट्ठा करके और फिर नोट्स बनाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ सेकेंड ग्रेड का जो कोर्स है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने टॉपिक वाइज जैसे कि फिजिकल फीचर है राजस्थान का, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज जितनी भी बुक्स हैं उनको कलेक्ट करके और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। सर ने यहाँ पर पढ़ाया आपको ज्योग्राफी, तो ये चीज़ जो है वो मुझे आपको बहुत अच्छे से जो है बतानी थी, और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आई होगी कि आप किसकी तैयारी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड की आप पहले से भी कर रहे थे, जो बच्चे न्यू हैं तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी पहले से करते आए हैं और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनको लगता है कि हाँ हम दोनों ही एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो बिल्कुल उनको दोनों एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से जो है देखना चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जो है वो इतना सरल नहीं होता है जैसा कि आपने रीट में सोचा है कि 150 जो है आपको गोले भरने हैं। यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ दो पेपर हैं, दोनों में ही आपको 40% से अवव मार्क्स जो है वो लाने जरूरी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पेपर में आप जो है 30% लेके आ गए और एक में जो आप 80% लेकर आ गए, ऐसा नहीं होगा। दोनों में ही आपको मिनिमम मार्क्स से जो है अवव लाने होंगे, तभी जो है वो आपका ये क्लियर होगा। बहुत हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप जो है किसकी तैयारी जो है वो करेंगे, सेकंड ग्रेड के साथ में जो है वो आप थर्ड ग्रेड की बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आई होप आपको जो है ये बातें समझ में आई होंगी। बाकी जितने भी एग्जाम हैं राजस्थान का, जीके जो है मस्ट है, आपको हर जो पॉइंट है टिप्स पर याद होने चाहिए। रीट में ऐसा भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं गया रीट में जो कि आपका, जो मैंने आपको पढ़ाया राजस्थान जीके में 6 से 10 तक की जो बुक पढ़ाई, उसमें से हर एक क्वेश्चन इसमें से आया है, आपने खुद ने देखा है। चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।